नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की 28 उन विधानसभा सीटों की जिन पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने कमर कस ली है और ये उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इसी से सत्ता की राह खुलेगी, क्योंकि जिसकी सीटें ज़्यादा आएंगी वही सत्ता में बैठेगा। अब ऐसे में कांग्रेस ये दावे कर रही है कि उसकी जो पुरानी घोषणाएं थीं वो पूरी करना शेष है और उसके लिए उसका सत्ता में आना जरूरी है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि 15 महीने में कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, अब सिर्फ लफाजी कर रही है और जनता उसकी जो जिसको कहा जाए स्ट्रेटजी है उसको समझ चुकी है, उसके झूठ को पकड़ चुकी है, इसीलिए अब कुछ बचता नहीं है। आज इसी विषय पर चर्चा करें, उससे पहले उन मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात मैं करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, नमस्कार। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सपाक्स से हरिओम गुप्ता जी रहेंगे, नमस्कार। और वो सपाक्स का भी पक्ष रखेंगे और हमें ये भी बताएंगे कि वर्तमान परिवेश में ये जो सब कुछ हो रहा है उसमें मतदाता क्या सोच रहा है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे तारण जी, कमलनाथ जी ये कहते घूम रहे हैं तमाम सभाओं में कि उनकी सरकार फिर से बनी तो कर्ज माफ़ी किसानों की फिर से हो जाएगी, क्या माने इसको? प्रकाश जी, सबसे पहले तो आज हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की 19वीं पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। निश्चित रूप से जो उन्होंने कांग्रेस में रहकर अपने आयाम स्थापित किए थे, जो उन्होंने कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई थी, जो पार्टी के प्रति और देश के प्रति उनकी निष्ठा थी, उसको प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ और हम संकल्प लेते हैं कि जो उनके अच्छे कांग्रेस जन आत्मसात करेंगे। आज प्रदेश कांग्रेस में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दूसरा, ये कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे निश्चित रूप से उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध का काम जो किया, निश्चित रूप से उन्होंने जो माफिया राज पर प्रहार किया, निश्चित रूप से जो उन्होंने 15 महीने में जो 10 दिन की हमारी घोषणा थी किसानों का कर्जा माफ, उसमें उन्होंने 26 लाख 95 हजार से ज्यादा किया, निश्चित रूप से ये पूरे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर। किसानों का कर्जा माफ की आखिरी बेला थी, दूसरे नंबर पे आ गए, तीसरे पायदान पे आना था और भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ तरीके से, वो खुद बोलते कि हमने अपने केंद्रीय मंत्रियों के इशारे पर सरकार को गिराया। उन्हें पता था कि अगर कांग्रेस 5 साल रही तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को तकलीफ हो जाएगी। और जो कमलनाथ जी ने काम किया और जिस तरह की व्यवस्थाएं बनी, जिस तरह से लोगों से गद्दारी करवाई गई भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारे 23 विधायकों को इस्तीफा दिलवाए गए, उनको खरीदा गया और आज जो स्थिति बनी है कि जो चुनाव में आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिन्होंने गद्दारी की है न केवल कांग्रेस के साथ, न केवल प्रदेश के साथ, न केवल संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ, न केवल उस क्षेत्र की जनता के साथ, आज और आज वो दलित है जनता, क्योंकि वो जिस जो भी अपने क्षेत्र में जा रहा वहाँ जनता उन्हें वहाँ से हट भगा रही है, उनका विरोध कर रही है और कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता जो कि निष्ठावान कार्यकर्ता थे वो भी आज बदला लेने के लिए आतुर हैं, जनता भी बदला लेने के लिए आतुर था। अगर कमलनाथ जी ने बोला कि निश्चित रूप से हम 28 चुनाव जीतेंगे तो आज पूरा माहौल बदल गया, चाहे कोरोना का संकट हो, जिस तरह से कोरोना के संकट में भी सरकार ने अपने आप को अलग थलग कर लिया और चुनाव के माहौल में रह गई। भाई चुनाव संगठन को लड़ना था, सरकार अगर सरकार में थी तो सरकार का काम था, चलिए हो गई बात, सेवा करनी चाहिए था, उस लाइन पे सरकार ने काम नहीं किया। मैंने आपको बहुत समय बोला है कि हम 28 में से 28 मैंने आपको बहुत समय दे दिया, आपने पूरा भाषण भी सुना दिया, जो कांग्रेस के मंचों से होता है वो आपने बता दिया। मुझे ये बताइए जो परिस्थितियाँ हैं उनके हिसाब से सिंधिया समर्थक जो गए हैं आपके यहाँ से, अब बीजेपी के साथ मिल गए हैं, वो तो मिल ही गए हैं, साथ ही आपके लोग भी छोड़ रहे हैं। आज जैसे अशोक शर्मा ग्वालियर के कद्दावर नेता हैं और वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी शामिल हो रहे हैं, तो अब क्या समझें, ये चला चली की बेला है या कुछ और है? देखिए प्रकाश जी, वो ये तलाश रहे कि अब हमारा हित कहाँ है, उन्हें कहीं ना कहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को व्यवस्थित करने की इच्छा रही हो या वहाँ कुछ निर्देश मिल गए हों, क्योंकि जहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी सिंधिया समर्थक लोग हैं
निश्चित रूप से उन्हें कहीं ना कहीं अगर लग रहा है कि कांग्रेस आप सिंधिया समर्थक हैं कि नहीं जी, आप सिंधिया समर्थक हैं कि नहीं? नहीं, हम सिंधिया समर्थक नहीं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, तो आपने माधवराव सिंधिया जी की आज जिस तरीके से आयोजन किया पुण्यतिथि वाला, तो जब आप उनका आयोजन कर रहे हैं तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने भी तो कांग्रेस छोड़ी थी। देखिए, माधवराव सिंधिया जी की विचारधारा जो थी वो कांग्रेस की विचारधारा थी। अगर उन्होंने पार्टी से नाराज होकर विकास कांग्रेस बनाई है तो उनकी विचारधारा कांग्रेस की ही विचारधारा रही, और उसके बाद जब वो संतुष्ट हो गए या जो भी उनकी असंतुष्टि थी वो समाप्त हो गई, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो तो एक ऐसी पार्टी में चले गए जिसकी विचारधारा ही उलट कांग्रेस से अलग विचारधारा है। ये आपका ये आपका रावण की तरह घमंड है या वाकई सच है? देखिए प्रकाश जी, आप भी 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको पता है कांग्रेस की विचारधारा क्या है, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, आपको यह भी पता था कि जनसंघ की विचारधारा क्या है, आपको यह भी पता है कि आरएसएस की विचारधारा क्या है। और कांग्रेस की विचारधारा तो शुरू से आज तक, देश की आज़ादी से लेकर आज तक, बिल्कुल देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उत्थान की बात करती है। नहीं, सवाल ये सुन तो लीजिए, सवाल ये है, आप माधवराव सिंधिया जी के लिए तो आयोजन कर रहे हैं पीसीसी में, उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हकाल रहे हैं, और फिर सिंधिया समर्थक यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक और माधवराव सिंधिया समर्थक ही आपसे आज पूछ रहे हैं कि आपने किस हैसियत से ये आयोजन किया अपने प्रदेश कार्यालय में, तो आप उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे भाई। आप ये कह रहे हैं विकास कांग्रेस उनने बनाई, पर नाराज होकर तो कांग्रेस से ही गए थे ना वो? प्रकाश जी, वो नाराज होकर गए थे, इसके बाद फिर कांग्रेस में वापस आए ना वो, फिर कांग्रेस की तो अब ये भी आ जाएंगे? नहीं, ये आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे ये तो समय के कर्त में है। हाँ। लेकिन जो इनकी विचार तो आप इतनी कड़वाहट, इतने जिसको कहें जहर क्यों उगल रही है कांग्रेस के? अगर मान लो कल फिर वो आ गए तो आपको फिर मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी, आप सब जो भी लोग होंगे जो कह रहे हैं ये? नहीं, देखिए प्रकाश जी, हाँ, अब कांग्रेस में वापस आएंगे तो उनका स्तर क्या रहेगा ये तो वो खुद जाने। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है और माधवराव सिंधिया की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी है, कितने से कमरे में मनाई गई और उसमें कौन लोग शामिल हुए ये भी सबको मालूम है। चलिए, मेरा भारतीय जनता पार्टी केवल मेरा कहना ये, भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो का काम करती है, जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है उसका उपयोग करती है और छोड़ देती है, चाहे वो महात्मा गांधी जी की मामला, ठीक है, मैं आपसे पटेल का मामला, अम्बेडकर जी का मामला हो, वो केवल जब जरूरत पड़ती तब इनका उपयोग करती है, नहीं तो केवल इनकी जो विचारधारा टोटल फासिस्टवादी है, टोटल सांप्रदायिक विचारधारा, मैं आपसे ये कह रहा हूं लिए काम करते हैं। सुनिए तो सही, अगर कांग्रेस छोड़ी तो सुभाष चंद्र बोस ने भी छोड़ी थी एक समय पर, छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी? और अगर सिंधिया जी ने छोड़ी, माधवराव सिंधिया जी ने, तो उन्होंने भी नाराज होकर ही छोड़ी थी। अब वो पार्टी बनाएं या किसी और में मिल जाएं, ये महत्वपूर्ण है या फिर कांग्रेस में रहना महत्वपूर्ण है? देखिए दो बातें हैं प्रकाश जी, हाँ, कांग्रेस में रहना भी महत्वपूर्ण है, और अगर उन्होंने अपनी किसी व्यक्ति विशेष से नाराज होकर उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली, लेकिन विचारधारा जो कांग्रेस की विचारधारा है उसी विचारधारा पे चल रहा है, और बाद में जब नहीं विचारधारा क्या होती है, कारण हुआ या चयन हुआ जिस व्यक्ति से उनकी जिससे बुराई थी, तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस में आए तो विचारधारा तो कांग्रेस की विचारधारा थी। मैं हरिओम जी आपसे पूछना चाहूंगा, अपन ज्योतिरादित्य की बात कर रहे हैं, ये तो बिक गया ना, इन्होंने तो कांग्रेस को डैमेज किया। सिंधिया जी ने कांग्रेस को डैमेज करके नहीं कहते, सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के गए थे, इन्होंने कांग्रेस की पीठ पे छुरा भोंका है, इन्होंने कांग्रेस की सरकार को उन्होंने तलवार चलाई है। नहीं, निश्चित रूप से, और किस तलवार से ज्यादा खतरनाक है ना भाई प्रकाश जी, कि आपने एक कांग्रेस की सरकार जो 15 साल आ गई, बात आपकी हरियो जी, आपने बात आ गई, कोशिश की बात आ गई आपकी, कांग्रेस ने 19 साल तक आपको दिया सम्मान, बात आ गई ना आपकी, आपने उसकी पीठ पे छुरा होगा, जबकि आपका अभी छुरे के अलावा भाले खंजर सब भोंक लो एक बार, आपका और क्या करें, बोलने ही नहीं दे रहे किसी को आप। चलिए बोलिए, आज मतलब इतने गुस्से में हो, आपके माधवराव सिंधिया जी का आयोजन करके आ रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब आप बिल्कुल एकदम जनता को बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, क्या बात है? नहीं, जनता तो हमारी बिल्कुल प्रकाश जी सर्वोपरि। चलिए हरिओम जी, है तो हम हैं। हरिओम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस के लिए क्या ये दुविधा की स्थिति है कि एक तरफ वो माधवराव जी के उस पर तो आयोजन कर रही है और दूसरी तरफ उन्हीं के पुत्र को जो है वो तिरस्कृत कर रही है, ये क्या माना जाए?
अभी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को हमारे वरिष्ठ साथी तारण जी की जो वेदना है वो एक्चुअल में किसी विचारधारा की वेदना नहीं है, वो सत्ता में हम कैसे काबिज हैं इसकी वेदना है। और दोनों दलों में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो कैसे कब्जा करें, कैसे सत्ता का प्रभाव उन पर रहे और सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग कैसे करें, इसके लिए ही लड़ाई लड़ी जाती है। यहाँ विचारधारा की बात करना बेईमानी होगी, कोई विचारधारा की बात नहीं करता। आपने बिल्कुल सही बात कही कि माधवराव सिंधिया उस समय जो नेतृत्व था नरसिंह राव जी का, सीताराम केसरी जी का, और उस नेतृत्व के कारण अर्जुन सिंह जी जैसे दिग्गज और सिंधिया जी जैसे दिग्गज परिस्थितियों में उन्होंने अपना अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, चूंकि वो भी चाहते थे कि सर्वोपरि हम रहें, तो उन्होंने एक अलग कांग्रेस बना के और उपयोग किया। आज पिछले 15 महीनों में जो सरकार कांग्रेस ने चलाई, उस कांग्रेस की सरकार को बनाने में मध्य प्रदेश किया में जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, वो ये मानता था कि इसमें कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ जी का दोनों का संयुक्त योगदान है। और उस ऐसे संयुक्त योगदान के बाद जो सरकार बनी और धीरे धीरे वो परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि वो अपने आप को उसमें निग्लेक्ट महसूस, 15 महीने के अंदर केंद्रीय कांग्रेस कमेटी ये तय नहीं कर पाई कि पीसीसी का कोई अध्यक्ष सिंधिया जी को कोई जिम्मेदारी सीधे दे सकते थे। देखिए, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा रहती है, कोई भी जो व्यक्ति पार्टी में रहता है वो चाहता है कि वो ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंचे, और उन 15 महीनों में जिस तरह की एक रिक्तता पैदा हुई मुख्यमंत्री और सिंधिया जी के बीच में, उसके लिए कारण हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रमुख कारण थे, और जो प्रशासनिक कसावट, प्रशासनिक जो आभा मंडल मुख्यमंत्री जी के चारों ओर घिरा था, वो भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा घिरा था, और उन्हें सिर्फ वल्लभ भवन से ही प्रशासनिक कार्य करने का ही एक उन्हें अमली जामा था। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते कहां कमजोरी है उस चीज को कभी स्वीकार ही नहीं किया, और इसके कारण ही हम ये कहें कि विचारधारा, कोई विचारधारा नहीं। जब उन्होंने देखा कि हमारी हमारे अस्तित्व को चुनौती दी जा रही है, तो महाराज ज्योतिराज सिंधिया जिन्हें कथित रूप से महाराज भी अभी भी क्षेत्र की जनता सम्मान देती है, और उन्होंने अपने समर्थकों से को विश्वास में लेकर और इस तरह का निर्णय लिया, और उनके समर्थक विधायकों ने इस्तीफे दिए। उनके अलावा भी कांग्रेस से कहीं ना कहीं इतना असंतोष तो था कि 4 से 6 और अन्य विधायक जो सिंधिया के प्रभाव में नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफे दिए, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व में ये तो कमी थी कि वो विधायकों को उस हिसाब से नाप तोल नहीं कर रहा था, नहीं और काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए दिया। मैं एक और सवाल आपसे, आप हमारे साथी कह रहे हैं कि सब विचारधारा नहीं, विचारधारा तो विचारधारा सब पहले सब है, खत्म हो गया। आज के समय में 5 साल इतनी जल्दी विचारधारा आजकल कुर्सी की होती है, और दूसरा आदमी तत्काल क्षेत्र में भी जो चुनके प्रतिनिधि आता है वो तत्काल परिणाम चाहता है, और परिणाम जब नहीं मिलते हो वो देखता है कि जनता हमें मतलब लठ लेके पीछे पड़ी हुई है, तो वो ऐसी स्थिति में कहीं भी कुछ भी निर्णय ले सकता है। और ये अब जो चुनाव होने जा रहे हैं 28 चुनाव, निश्चित रूप से ये राज्य की सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब जबकि सिंधिया समर्थक ही ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस क्यों उनकी आयोजन कर रही है, वो उनके नेता हैं, अब बीजेपी में चले गए हैं तो इस तरीके का आयोजन नहीं करना चाहिए, तो क्या कांग्रेस को अभी भी ये भय सता रहा है कि, या जिसको कहें वो सिंधिया फूलिया से बाहर ही नहीं आ पा रही है? वो तो भ्रमित करने का है, मतदाता को भ्रमित करना है कि भाई ये सिंधिया महाराज अभी भी बड़े महाराज कांग्रेस में है, और आप सिंधिया महाराज के जो वोटर हैं वो महाराज की पार्टी कांग्रेस को वोट दें, ये भ्रमित करने का तरीका है। लेकिन वस्तु स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस को चुनाव सत्ता में वापस आने के लिए अगर वो निर्दलियों 7 का समर्थन भी ले लेते हैं तो भी उन्हें कम से कम 21 सीटें जीतना आवश्यक होगी, और जो बहुत ही असंभव जैसा स्थिति दिखती है। हमारा अपना भी ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सपाक्स पार्टी भी निरंतर क्षेत्र में काम कर रही है। ग्वालियर चंबल संभाग हमारा मुख्य टारगेट क्षेत्र रहा है, जहाँ हमने एट्रोसिटी एक्ट और आरक्षण के विरोध में सबसे बड़ा आंदोलन चलाया था, और उसके कारण में कांग्रेस की ज्यादा सीटें हैं। तो आज की स्थिति में अगर कांग्रेस ये आत्म बार बार कल मुख्यमंत्री जी जैसे वो पूर्व मुख्यमंत्री राय से जाके कहते कि भाई खरीदने वालों ने सरकार को खरीद लिया, तो भाई अगर आप भी बहुत बड़े व्यापारी हैं, जहाँ तक कमलनाथ जी राजनीतिक के साथ बहुत बड़े व्यापारी हैं, वो और उससे बड़ी बोली लगा सकते थे, तो लेकिन कहीं ना कहीं ये कहीं कोई ना वो अपने मस्त रहे बिल्कुल, और इसके कारण ये सरकार गिरी है, और अब जनता इसका बदला लेगी। दोनों
दलों से बदला लेगी और अपनी जो निश्चित रूप से मतदाता के मन में ये पीड़ा जरूर है कि हमने किसी व्यक्ति को चुना है तो उसे 5 साल के लिए चुना है। और दूसरा, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के बीच में ये उपचुनाव हो रहे हैं तो मतदाता एक तो ससंकित है, संसद में वो अपना मत देने आएगा, कितने लोग मत देने आएंगे और उसका क्या परिणाम होगा, ये दोनों दलों के। और जहां तक कांग्रेस ये करी साहब, ये गद्दार है। अरे कांग्रेस तो उन सारे जो बीजेपी का टिकट पर चुनाव लड़े थे उन सारे महागद्दारों को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा रहे हैं। महेंद्र जैसा आदमी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य रहा और अध्यक्ष रहा है बड़े मोर्चे का, उसको पार्टी छोड़नी पड़ी। आप ऐसे ऐसे लोगों को आयतित करके महागद्दारों को आप कांग्रेस का टिकट दे रहे हैं और जो वहां का कार्यकर्ता है कांग्रेस का, जो वर्षों का कार्यकर्ता है, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भी अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस जो दम भरे कि हम तो पूरी 28 सीट जीत रहे हैं, बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है। 10 नवंबर दिवाली के पहले पता लग जाएगा जनता क्या वोट देती है। वैसे तो ट्रेंड जब वोट डल जाएंगे उसके तत्काल 3 तारीख के बाद ही ट्रेंड का पता चल जाएगा। लेकिन ये मैं बार बार ये खंडन करूंगा कि ना तो भारतीय जनता पार्टी कोई सिद्धांतों पर काम करती है, ना ही कांग्रेस अपने सिद्धांतों पर काम करती है। अगर ये सिद्धांतों में काम करते तो ये देश की अलग दुर्गति नहीं होती जो वर्तमान में की जा रही। चलिए मुझे बताइए तारण जी, सिंधिया फोबिया से तो आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और दूसरा ये जो एक आपकी पार्टी में हो गया है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको आप लाते मार रहे हैं, उसको ना टिकट देंगे आप, ना उससे कोई काम लेंगे, और बाहर से जो आएगा उसको आप गले लगाएंगे, ये आपकी पार्टी की नई रणनीति बन गई है या कमलनाथ जी ने तय किया है कि अब सब बाहरी लोगों को ही लेना है? देखिए प्रकाश जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसमें आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और आदरणीय सिंधिया जी, तीनों ने मिलकर काम किया था और सरकार बनाई। सिंधिया जी को पूरा सम्मान दिया गया था, पूरी निष्ठा के साथ वो काम कर रहे थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ऊपर से निर्देश दिया, नीचे के लोगों ने मैनेज किया, और जिस तरह से मैनेज किया वो मैनेज के साथ कोई ऐसे काम थे, कोई गलत काम थे सिंधिया परिवार के, जिनके कारण उनके ऊपर दबाव डाला गया। निश्चित रूप से वो जब गए हैं उसके 6 महीने पहले, एक स्वर्गीय नेता हो गए भारतीय जनता पार्टी के, पहले उनके उसमें थे, टच में थे वो, उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन वो उनका आकस्मिक निधन हो गया। इसके बाद वो बाद में 6 महीने के बाद वो सब चीज़ परिणति सामने आई, और इसीलिए इसीलिए ही अगर उन्हें अध्यक्ष का पद नहीं दिया गया तो हाईकमान की नॉलेज में ये सब था। दूसरा ये कि जिस तरह से उन्होंने 370 धारा का समर्थन किया, जो कांग्रेस जिन चीज़ों का विरोध कर रही थी, सिंधिया जी ने उन चीज़ों का विरोध किया, निश्चित रूप से हाईकमान, कांग्रेस ने ठान रखा है कि जो भी देश हित की बात होगी उसका विरोध करेंगे अपन। नहीं देखिए, जो कांग्रेस की विचारधारा के अलग, नेहरू जी ने ही कहा था, आपको याद है या नहीं है, उन्होंने ही कहा था ये अस्थायी व्यवस्था है, घिसते घिसते खत्म हो जाएगा। अब आप 370 हट गई तो उस पर विरोध करने की क्या जरूरत थी? देखिए नेहरू जी गलत हैं या ये आपको लग रहा है ये नए नेता गलत है? देखिए प्रकाश जी, अपन उसमें तो चर्चा कर नहीं रहे, आप बता दीजिए ना, उस बारे में तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो कहा, मैं आपसे क्या बोला, जो पार्टी लाइन है, हाँ मैं तो लाइन की बात कर रहा हूँ, जो पार्टी लाइन कहा जा रही है, लाइन अगर पार्टी की लाइन अभी लाइन नरक में जाएगी तो नरक में जाएंगे क्या? नेहरू जी के टाइम पे हम भी बहुत छोटे होंगे, हाँ, जब नेहरू जी नहीं रहते और आप भी बहुत छोटे हो गए, अपन लोगों को उनके बारे में नहीं पता, लेकिन अपन ने तो बड़ा है, विचारधारा की है, आप विचारधारा की बात, लेकिन हाँ जैसे विचारधारा की बात हो रही, लेकिन विचारधारा नेहरू जी की थी, उन्हीं ने सुन तो लीजिए, अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप विचारधारा की बात कर रहे हैं ना, हाँ तो आप भी तो कह रहे हो 370 का उन्होंने विरोध किया, जबकि 370 का अगर देखा जाए तो हटाने के लिए तो नेहरू जी सहमत थे, आप ही ने सरदार पटेल जैसे व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को बनाया गृह मंत्री, जिसने पूरे देश का एकीकरण किया कि नहीं किया? अब आप कहो कि नहीं वहाँ बना रहे दो, कांग्रेस की पार्टी लाइन से, पार्टी लाइन जो थी, हाँ, उससे अलग हटके अगर उन्हें तो पार्टी लाइन अगर नर्क में जाने कहेगी तो सब चले उसमें, कांग्रेस की यही तो विसंगति, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्या जो देखिए 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 प्रकाश जी, जो पार्टी लाइन होती है, पार्टी लाइन के साथ चलना सभी, तो हम पूछ रहे ना आपसे भाई साहब,
ये पार्टी लाइन ठीक है, निश्चित रूप से वो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहा, तो मैं वो गद्दारी कर रहा है इसलिए वो सब चीजें से सब सामने आई है। भाई साहब सुनिए, रावण ये बोले कि उनके साथ कोई गलत काम किया था, ऐसा कुछ नहीं है। रावण के साथ भी यही था, वो केवल अपने स्वार्थ, सुनिए, सुन तो लीजिए, रावण के साथ भी यही था। रावण के टाइम में भी आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, नहीं तो आप फिर लेकिन अभी की बात करोगे आप, तो फिर अभी जो हम देख रहे हैं उसकी बात, अभी की भी बना करोगे आप, अभी अभी का तो ये अभी आपको दिख रहा है क्लियर कट के भाई आप में रावण जैसा अहंकार आ गया कि रावण जो कर रहा है वो सही कर रहा था, इसीलिए तो बाकी के जितने अरे भाई अगर आप आपकी विचारधारा पार्टी के हित में होती या आपकी पार्टी के आपकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा होती तो आप एक अलग दल बनाते ना, क्या जरूरत थी आपको क्या होता पार्टी में शामिल होने की, तो आप तो एक सांप्रदायिक पार्टी में, इसका मतलब दर्द, इसका मतलब दर्द आपकी कुर्सी का ही है ना कुल मिला के, अलग बना लेते हमारी भी नहीं बनती। आप केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी, तो लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ अलग दल भी बना लेते तो भी सरकार तो आपकी गिरती। अरे ये सब बात की बात है, लेकिन नहीं बात की क्यों, अभी कर लीजिए ना, अभी कहाँ से कर, अभी आप ही ने कहा कैसे, अगर वो चली जाती सरकार तो कम से कम गद्दारी का लांछन तो नहीं लगता उनके ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि अगर, सुन लीजिए, उनकी उनको मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर वो अलग से दल भी बनाते तो एक तो दल बनता नहीं, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि जितने सदस्य संख्या चाहिए उतनी नहीं हो रही थी, एक बात। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस ये क्यों नहीं मानती है कि भाई सत्ता अंतिम ध्येय है आपका, होता भी है राजनीतिज्ञों का, तो कि भाई हमको तो झूठ बोल के भी कैसे भी सत्ता हासिल करनी है। अभी फिर कह रहे हैं कांग्रेस ने कभी झूठ बोल के कोई काम नहीं किया, कांग्रेस ने जो बोला वो करके दिखाया। कांग्रेस ने बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे तो किसानों का कर्जा माफ किया, कांग्रेस ने शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा। तो अभी कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं, सुन तो लीजिए, निश्चित रूप से आने वाले अभी कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अभी, आप ही कह रहे हैं कर्जा माफ कर दिया ना 10 दिन में, तो जो कम जो रह गया बाकी रह गया, हाँ यार ये ऐसा तो है नहीं, उसके लिए फिर बना दो मुझे, इस तराजू पे तोला और दे दिया, हो गया काम खत्म। अरे सरकारी मामले हैं तो ईमानदारी भी तो रखो कुछ, कि एक बार सरकार में से गिर पड़े अब फिर गिर लगा मुझे फिर सीएम बना दो, अरे बेशर्मी की हद है ना ये, तो काहे की बेशर्मी की, कर्जा माफ नहीं किया क्या आप बताइए, नहीं किया कैसे बोल रहे हैं आप, जब आप ही ने कहा 10 दिन बोल दिया 26 लाख 95,000 से ज्यादा किसानों का आधा कर्जा माफ हुआ विधानसभा में, अरे आधा हुआ ना, अरे हुआ तो, अरे फिर आप हुए पे आ गए, पूरा करेंगे उसमें क्या भाई, आपने किसी को खाने पे बुलाया और कहो नहीं मैं तो आधी रोटी खिलाऊंगा तेरे को, ये ठीक बात है, देखिए प्रकाश जी नहीं ये ठीक बात है क्या, प्रकाश जी अरे ये ठीक बात है क्या, प्रकाश जी तर्क ठीक बात है क्या, प्रकाश जी तर्क का जवाब होता है यही तर्क है, अरे भाई आधा किसानों का आधा नहीं करा, जिन किसानों का किया है उनका पूरा किया है, जो बाकी लोगों का रह गया उसकी बात कर रहा हूँ लेते हैं, और तारण जी कह रहे हैं कि 26 लाख लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया, तो 26 × 5 मिला के कितने वोट बनते हैं वो इस उपचुनाव में पता लग जाएंगे, उन क्षेत्र के लोग कितने इनको सपोर्ट करते हैं इससे पता लग जाएगा, बार बार किसी एक ही रिकॉर्ड को अगर बार बार नहीं बजाएंगे तो है वो रिकॉर्ड, तो कोई उसका तर्कपूर्ण उत्तर नहीं मिलेगा भैया, बार बार भैया बार बार झूठ बोलो बोलते रहा उसे साबित मानने के लोग, एक दिन भारतीय जनता पार्टी की यही विचारधारा रही है, भारतीय जनता पार्टी की यही विचारधारा रही है कि झूठ बोलो बार बार बोलो इतना बोलो तो उसे सच की परिधि तक ले जाओ, आप इस पे चल रहा है आजकल, कांग्रेस तो हमेशा सच बोलती है, आप इसी पे चल रहे हो क्या भाई साहब, 27 लाख किसानों के कर्जे का आधा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, नहीं गुप्ता जी गुप्ता जी रुकिए तो सही है, वो जो कह रहे हैं बार बार झूठ बोलो आज इसी पे चल रहे हो क्या आप तारण जी, कि बोलते रहो झूठ पे झूठ, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही, आप भी ऐसे ही कर रहे हो, हम तो जो कह रहे हैं वो करके दिखाया, जो 15 साल में झूठ बोल के और सिद्ध करके दिखाया, जनता पार्टी ने 15 साल में नहीं किया, कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके बताया, और निश्चित रूप से आने वाला समय भी अब नहीं है 1 महीने, चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि तारण जी जिस तरीके के हालात इस समय बन रहे हैं आप भी जानते हैं, जनता बहुत समझदार है, अगर इन चुनावों में परिणाम आपके विपरीत आते हैं तो क्या इन सब विषयों पे सोचेंगे कि साहब हमने ये झूठ बोल दिया, अतिथि विद्वानों को परमानेंट करेंगे नहीं कर पाए, बेरोजगारों को भत्ता देंगे नहीं दे पाए, आपने कहा लैपटॉप स्कूटी देंगे नहीं दे पाए, आपने कहा कन्या विवाह में 51,000 रुपये देंगे वो नहीं दे पाए, और जो मिल रहा था वो भी बंद हो गया। अभी मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे ये बताइएगा कि अगर उपचुनाव में विपरीत परिणाम आते हैं आपके, क्योंकि आपको जीतने के लिए कम से कम 22 सीटें चाहिए, ठीक है, कम से कम 22 में तो मतलब थोड़ी बराबरी पे आएंगे आप,
और 28 में से 22 सीटें जीतना क्या आपके लिए बिल्कुल संभव है ऐसी स्थिति में, जबकि आधे से ज्यादा घोषणा पत्र खाली पड़ा? क्या प्रकाश जी एक बार बताइए, वो कांग्रेस ने तो जो घोषणाएं की थी वो 5 साल की थी, क्या 5 साल कांग्रेस की सरकार चली? सरकार को गिरा दिया गया बीच में ही 15 महीने में, 1.25 साल में। तो क्या जनता ये नहीं देख रही है? क्या जनता जानती नहीं है कि किस तरह से कांग्रेस के साथ धोखेबाजी हुई है, किस तरह से कांग्रेस के साथ गद्दारी हुई है? निश्चित रूप से जनता कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के प्रति जनता का प्लस पॉइंट है ये। अच्छा, और ये बहुत बढ़िया बात कही आप। इसका जवाब सुन ली, इसका जवाब चाहिए मुझे आपसे। इंदिरा जी का कार्यकाल तो आपने देखा ही होगा जी, केंद्र में आपने देखा 1977 के बाद एक खिचड़ी सरकार बनी, जनता सरकार। उस सरकार को जनता ने क्यों रिजेक्ट किया था मालूम है आपको? या उसके बाद 1990 के दशक में जिस तरह से खिचड़ी सरकारें बन रही थी उस पर जनता खुश नहीं थी कि साहब 2 वोट 3 वोट 4 वोट से बन गई, अब वो ना काम कर रहे हैं ना कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं, ऐसी सरकारों को जनता बर्दाश्त नहीं कर रही थी। और इंदिरा जी के समय पर ये नारा आप ही की तरफ से आया था, ठीक है कि नहीं, कि वो भानुमति का कुनवा जोड़ा टाइप स्थिति, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ऐसे कह के विपक्ष को लांछित किया गया था उस समय, और वो उस समय सत्ता में थे। फिर बाद में इसी आधार पर इंदिरा जी सत्ता में लौटी, वो गरीबी का मुद्दा हो, वो चाहे देश के एकीकरण का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, और ये सबसे बड़ी बात ये कि स्थिर सरकार, तो स्थिर सरकार आप देने की स्थिति में हैं क्या? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई? ये विधान चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बाद आप देख लेना रिजल्ट क्या आते हैं। 15 महीने में गिर पड़े आप, और अब आप जो है इस तरह से नाटक किए गए हैं। नहीं देखिए भाई साहब, माहौल उड़ाया गया भाई साहब, सुन लीजिए, किस तरह सांविधानिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई है, सुन तो लीजिए, जनता ने गिराई क्या? प्रकाश जी मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, जनता ने गिराई के आपके लोगों ने गिराई? जनता उन्हीं को जवाब देगी जिन्होंने गिराई है। मैं आपसे जो बिके हैं उनको जवाब देने के लिए जनता आतुर है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि ये अभी फिर जीत जाएंगे तो बिकेंगे नहीं? नहीं देखिए, जो होना था वो हो चुका है। अरे अभी बिक जाएंगे वो भी आपने बता दिया गया, आज वो चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, अभी भी सिलसिला जारी है। नहीं, एक बार सुन लीजिए, अगर जनता ने जवाब दे दिया और जो चुन के हो गई बात आपकी, पूरे ना केवल मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा कि जो गद्दारी करते हैं, बात आप में सुनिए, जो गद्दारी करते हैं उनका हाथ नहीं होगा गद्दारी मध्य प्रदेश से, तो वो आपको वोट ही नहीं देगा ना, क्या ये पार्टी जब संभाल ही नहीं पा रही अपने लोगों को, कोई नहीं जाने वाला ना मध्य प्रदेश में ना देश में किसी भी स्टेट में इस तरह की व्यवस्था। हो गई बात आपकी। हरिओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या जनता इस बात को देखेगी कि कांग्रेस में कोई नीति नेतृत्व नहीं है, अनुशासन नहीं है, और ये बार बार स्प्लिट हो रहे हैं, ये कोई इधर से छोड़ के चला गया, कोई उधर से छोड़ के चला गया, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा कि भाई आज वो वोट दे भी दें कांग्रेस को तो इस बात की स्थायित्व की तो गारंटी है ही नहीं, और फिर सरकार ऐसे ही चलेगी, खजाना खाली है क्योंकि केंद्र में रहेगी बीजेपी की सरकार। जनता को ये भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी की सरकार है, पैसा नहीं मिलेगा यहाँ। दूसरा ये कि स्थायित्व इनके पास नहीं है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल परोक्ष रूप से सही है। अगर कांग्रेस को मैंडेट मिला होता तो 230 में से 120 से ऊपर सीटें हैं। जो मैंडेट मिला था उसमें ना कांग्रेस को मिला था ना बीजेपी को मिला था, और उसके बावजूद भी कांग्रेस बड़ी गर्वोन्मुख तरीके से ये कह के साहब हमें सरकार जनता ने सौंपी। उसमें जो 5 साल जो भैया कांग्रेस के 114 थे, उनको बोलने दीजिए, आपके कांग्रेस के 114 थे, स्पष्ट बहुमत नहीं था, और आपने निर्दलियों का सपोर्ट लेके उन 7 विधायकों की इतनी पूछ परख थी कि उन 114 में की कोई पूछ परख नहीं थी। वो 7 विधायक जो निर्दलीय जैसा सीएम से चाहते थे वैसा काम कराते थे। यहाँ कोई भी फंडामेंटल जो इनके इन्होंने जो घोषणा पत्र के बिंदु बनाए थे वो सब ताक पर रख दिए गए थे। और आज की स्थिति में भी अगर ये कहे कि आप हम पुराना काम करने के लिए आपने इतने मुद्दे गिनाए, भाई परीक्षा का परिणाम हायर सेकेंडरी का और मेडल वो तो इनके सामने ही आया, लैपटॉप की घोषणा जो थी या अच्छे बच्चों को पारितोषिक देने की घोषणा थी उसमें कितना पैसा खर्च होता इनकी सरकार ने नहीं किया। भाई किसने कहा था कि शादी कन्यादान योजना का जो 28,000 रुपए मिलते तो उसे 51,000 करो, तुमने आते ही इसको 51,000 कर दिया, 51,000 छोड़ ना 28,000 दिए ना 51,000 दिए। जो भी स्कीमें थी वो सब आपने आर्थिक आधार पर बंद कर दी,
तो आप ये दूसरा बेरोजगारी का भत्ते का सबसे खजाना खाली था मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है हरिओम जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का आज 6 महीने से शासन है, किस तरह से मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल का राज वापस आ गया, किस तरह से अराजकता का माहौल हो गया, किस तरह से हत्याएं हो रही, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, किस तरह का माहौल हो गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। 6 महीने में मध्य प्रदेश में क्या हालात हो रही, इसके बारे में बात नहीं हुई, केवल कांग्रेस का रोना रो रहे हैं। अरे बात करते यार, अरे भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करिए। अरे तो अरे कहाँ, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप सुनना चाहें तब ना, आप सुनने ही नहीं चाहते, बीच बीच में कूद पड़ते हैं। अच्छा तारण जी ये बात बताइए, क्या सपाक्स की वजह से आपको ग्वालियर चंबल में नहीं मिली थी क्या सीटें? आप वोट निकाल लीजिएगा पूरी 34 सीटों का। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में देखना 28 की 28 सीट कांग्रेस की छोड़ी जाएंगी। जनता निश्चित रूप से कांग्रेस को मैंडेट है, कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल से 15 महीने के कार्यकाल निश्चित रूप से तारण जी आज बिल्कुल जोश खरोश से आए हैं और जिस तरीके से स्थितियां हैं वो सामने हैं। जनता भी ये देख रही है कि किस तरह से उसे वोट करना है, क्योंकि ये बात तो तय तौर पर दिख ही रही है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस सरकार बना ले तो उसके बाद वो ये कहती नज़र आए कि नहीं साहब खजाना भरा हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब 15 महीने के लिए सरकार मिली तो उसमें यही बात बार बार कही जाती रही कि खजाना खाली है। और बीजेपी की भी बात हम करें तो बीजेपी ने भी पिछले 5 महीने में कम से कम वो वादे या दावे तो पूरे नहीं किए जिनकी जनता उनसे आशा करती थी। ऐसे में सपाक्स का कहना भी सही है कि जनता को विवेक से निर्णय लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सही क्या है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेवाक खबरें अंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।